हेलो एंड वेलकम इन आवर शो लेट्स टॉक। चलिए इस बातें करते हैं फ्रेंड्स। वो सब लोग जो कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ना फैशन नहीं मानते, आउट ऑफ फैशन मानते हैं, लेकिन हम सब जानते किताबें पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो हमारी सच्ची दोस्त हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं और बुक्स की जगह कोई और नहीं ले सकता। तो चलिए बात करते हैं उन सब दोस्तों की जो किताबें मांगते भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें किताबों से अलग चाहिए। किताबों का नाम लेते हैं वो दूर भागते हैं, या फिर ऐसा कहें कुछ लोग जो स्लीक स्लिम ट्रिम बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। यस, अगर उन्हें भारी भरकम मोटी बुक्स का उनके सामने जिक्र कर ले तो उनकी बॉडी में एकदम से शिवरिंग होने लगती है और कहते हैं नहीं भाई ये किताबें हमारे बस की नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसे कहें कि वो लोग जिन्हें छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ना पसंद है। यस, मैं आज एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगी जो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिन्हें पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है और ये बुक पढ़ने के बाद आप फील करेंगे मोर एक्टिव, आप मोर माइंडफुल फील करेंगे, मोर एनर्जाइज फील करेंगे। अरे नहीं करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इस बुक में आपने ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे करेक्टर्स को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स का ज्ञान, शब्दों का भंडार आपके ब्रेन में जाएगा, तो आपका माइंड ऑब्वियसली माइंडफुल होगा, मोर एक्टिव होगा और मोर हैप्पी आप फील करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि 24 आवर में से 1 आवर खुद के लिए निकालें। और अगर आपको लगता है कि आप 24 आवर में 1 आवर खुद के लिए नहीं निकाल सकते, या फिर आपको लगता है उसकी आपको बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, तो सुन लीजिए आपकी लाइफ रॉन्ग ट्रैक पर जा रही है। उसे सही ट्रैक पर लाइए, अपनी लाइफ को सही कीजिए, सेटल कीजिए और उसके बाद 1 आवर लाइफ के लिए अपने लिए ज़रूर निकालें। उसमें आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, एनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए प्लस मेडिटेशन कीजिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हेल्थ इज वेल्थ तो हम जानिए और ये 1 आवर भी हम खुद के लिए निकालेंगे। अब बात करते हैं किताबों की। किताबें पढ़ना है तो डेली हमें 30 मिनट डिवोट करने पड़ेंगे। 30 मिनट सुन के ही कुछ लोगों को लगा हुआ 30 मिनट इज नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पे लगता है। जो किताबें पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, वो अपने आप टाइम मैनेज कर लेते हैं। वो कैसे भी, चाहे एक सिटिंग ना हो पाए, 2-3 कैसे भी सिटिंग करके वो पढ़ते रहते हैं। और शुरुआत में हमने करना भी ऐसे, हमने खुद पे कोई बोझ नहीं डालना, हमने इसे लेयरली लेना है धीरे धीरे। जैसे 10-10 मिनट की सिटिंग होगी, मतलब इसे धीरे धीरे इंजॉय करते हुए हमने करना है। जैसे हम खाना भी अगर धीरे धीरे खाते हैं तो हमें वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसी तरह किताबें भी धीरे धीरे पढ़ना है। और ब्रेन में हमने कोई स्ट्रेस नहीं डालनी, एक नई हैबिट कल्टिवेट करने जा रहे हैं जो बहुत हेल्दी होगी हमारे ब्रेन के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में 30 मिनट वाकई ज़्यादा है, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, नए हैं किताबें पढ़ने के लिए, 5 पेजेस डेली आपने पढ़ने हैं और ये तो आपने कैसे भी करना है। और अगर आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो डेली 1 पेज आपको ज़रूर पढ़ना है, कैसे भी ये मैनेज करना है। कुछ दिन मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगा और बहुत ईजिली आप डे में ये टाइम मैनेज कर पाएंगे जब आप किताबें ईजिली पढ़ पाएंगे। और आई थिंक 5 पेजेस भी पढ़ना मुश्किल लग रहा होगा। किताबें पढ़ना भी चाहते हैं, किताबों से दूरी भी है, अब किया क्या जाए। इसका भी एक सोल्यूशन है, वी हैव ऑडियो फाइल्स। यस, गूगल पर बहुत कुछ है भाई, आज डिजिटल युग है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प के लिए हैं, लेकिन हम उसे बहुत कम यूज़ करते हैं। उनमें से एक है ऑडियो फाइल्स, ऑडियो बुक्स। तो स्टार्टिंग में हम ऑडियो बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। आपकी कोई भी मनपसंद करेक्टर को, कोई भी मनपसंद करेक्टर हो, कोई भी मनपसंद बुक हो, वो हम पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑडियो बुक्स के, ऑडियो फाइल्स के कुछ लिंक्स दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपनी मनपसंद बुक सर्च कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ और ज़रूरी, यहाँ पर एक स्पेशल नोट है आपके लिए। ऑडियो बुक्स की हेल्प हमने स्टार्टिंग में ही लेनी है, ई बुक्स की हेल्प हमने सिर्फ स्टार्टिंग पे लेनी है। उसके बाद हार्ड बुक, हार्ड कॉपी हमारे हाथ में होनी चाहिए। जो हार्ड बुक पढ़ने का मज़ा है ना, पन्ने पलटने का मज़ा, वो एक किताब पढ़ने वाला ही आपको बता सकता है। सो बुक्स पढ़ना है आपने ई फाइल, ऑडियो फाइल सिर्फ इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद हम आ जाएंगे बुक्स पे। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताना चाहूँगी आज की वो किताब जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी मैं कह सकती हूँ बिगिनर्स के लिए, जो किताबें पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर जिन्हें सिटिंग देना मुश्किल होता है। द बुक नेम इज़ खिड़कियाँ, ये वो हिंदी में भी है
और पंजाबी में भी है, और इनके राइटर हैं नरेंद्र सिंह कपूर, और उन्होंने ये बुक बहुत बहुत बढ़िया लिखी है, बहुत शानदार। ये बुक मेरे भी इनिशियल स्टेज पर बहुत मेरी हेल्पफुल रही है, मेरी मददगार रही है, और कहीं ना कहीं मेरे पास वर्ड्स लैक हो जाते हैं इसकी तारीफ के लिए। जितनी खूबसूरती से नरेंद्र सिंह कपूर जी ने ये बुक को इलैबोरेट किया है, या बाकी बुक्स भी वो अपनी करते हैं, उनमें शब्दों का जो एक संगम होता है बहुत ही मज़ेदार होता है, और वो पढ़ के हमें लगता है वी आर कम्प्लीट, वी आर फुलफिल नाउ। सच में दोस्तों, नरेंद्र सिंह कपूर जी ने ये जो किताब लिखी है ये बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। वो सब लोग जो कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली छोटी छोटी स्टोरीज जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर किताबें पढ़ने से जिन्हें डर लगता है, मतलब सिटिंग नहीं हो पाती, उनके लिए तो ये बुक वरदान से कम नहीं है, खिड़कियाँ। और नरेंद्र सिंह कपूर जी के बारे में मैं कहूँ तो क्या कहूँ, उनकी और भी राइटिंग्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। उन्होंने कोई भी लाइफ का ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिसे हम उनकी किताबों से नहीं पढ़ सकते, और बड़ी हेल्प होती है वो जब हम करेक्टर्स पढ़ते हैं, उनकी अलग अलग राइटिंग्स पढ़ते हैं, तो हमें हमारा जो माइंड है और ज़्यादा माइंडफुल होता है, हमें और ज़्यादा ज्ञान मिलता है कि कैसे कैसे करेक्टर सोसाइटी में है, या कैसी सिचुएशन आए तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल, किताबें भी हमें बताती हैं कि अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं, या फिर उस पर्सन ने ऐसे डील किया था, उसने वो गलती की थी, हम वो गलती नहीं करेंगे। सो नरेंद्र जी ने बहुत सारी लाइफ के हर सेक्टर को टच किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और काफ़ी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, मैं आपको आगे वो रिकमेंड करती भी रहूँगी। टाइम टू टाइम आपने पढ़ना भी है, लेकिन अब शुरुआत करनी है आपने खिड़कियों से, जो अपने आप में कंप्लीट बुक है। इस बुक को पढ़ के आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना आप गुड फील करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक रेवोल्यूशन से कम नहीं होगी। वो बंदा जो किताबें नहीं पढ़ता, जिसके पास ज्ञान कम होगा ऑब्वियसली, वो अपने आप में डिप्रेस भी होगा, और जब किसी से बात करनी है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। वो पर्सन अगर खिड़कियाँ पढ़ता है तो नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ स्टोरीज उसने पढ़ लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स भी उसके अंदर चले गए, और धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर कब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसका बोलने का लहजा कैसे इम्प्रूव हो जाएगा, वो और ज़्यादा पैशनेट होगा रीडिंग के लिए। रीडिंग के साथ साथ आप राइटिंग पर भी आपने फोकस करना है, और अपनी रीडिंग को और इम्प्रूव करते जाना है। तो स्टार्टिंग कीजिए थोड़ी सी ड्यूरेशन के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ। एक ही दिन में आपने ये बुक नहीं पढ़नी, धीरे धीरे ये किताब आपने पढ़नी है, और जब आप धीरे धीरे ये किताब पढ़ेंगे, अलग अलग स्टोरीज पढ़ेंगे, अलग अलग करेक्टर्स पढ़ेंगे, तो आप फील करेंगे आप एक जर्नी पर जा रहे हैं। जब बचपन में मैं अलिफ लैला देखती थी तो मैं हमेशा इंतज़ार करती थी कि अलिफ लैला कब आएगा अगला एपिसोड, क्योंकि उसमें छोटी छोटी स्टोरीज होती थी और एक या दो एपिसोड में वो स्टोरीज ख़त्म हो जाती थी। ये किताब भी उसी तरह है, इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं और बहुत शॉर्ट हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसमें मैसेज होता है। कई बार तो मैसेज ईजिली मिल जाता है, लेकिन कई बार हमें सोचना पड़ता है कि ये स्टोरी में मैसेज क्या था, इसका एंड ऐसे क्यों किया गया, अगर ऐसे कर देते तो हमारा माइंड वर्क करना शुरू कर देता। तो ये बुक है, आपने पढ़नी है और पढ़ते रहना है, और इस प्रॉमिस के साथ कि आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे और करते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ और आपको बुक्स बताऊंगी और आपकी लाइफ को और हैप्पी और हेल्दी करूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, वो ज़रूर आप वहाँ पर जाइए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।